बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर से है। फाइंड दी सरफेस एरिया जनरेटेड बाय दी कर्व वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स अपॉन ए एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इक्वल टू ए पाई ऑन रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ चैप्टर का जो नाम होगा सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, जो भी हो। तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है जब इस कर्व को रोटेट कराया जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिख देंगे, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व अपने सॉल्यूशन में वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स पानी। अगर हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे ए इंटू में कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर ले लिया और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको एक्स अपान ए का। तो ए कॉस एक्स अपान ए, यहाँ पर वन अपान ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कॉस एक्स अपान ए, ये वैल्यू आई है डी वाई ओवर डी एक्स की। डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है इसका हम लोग यूज़ करेंगे, और ये यूज़ कहाँ करना है इसे इक्वेशन नंबर टू डाल दीजिए, इसका यूज़ करना है फार्मूले में, यानी सरफेस एरिया के फार्मूले में, क्योंकि इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिट दे रखी हो, बता भी दिए गए एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना, तो एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराने पर जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे तो हमें मिलेगा दी रिक्वायर्ड सरफेस। जो सरफेस हमको चाहिए है वो मिल जाएगा कब, जब हम इस लिमिट यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो से ए पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे इस इंटीग्रल को, यानी टू पाई वाई और होता है फार्मूला वन प्लस डी वाई ओ डी एक्स। इसलिए हमने डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में फाइंड करके रखी है, इसका होल ऑफ स्क्वायर होता है और इंटू डी एक्स ये फार्मूला होता है, इसको हमें याद करके रखना चाहिए सरफेस एरिया के लिए, यानी टू पाई वाई स्क्वायर रूट वन प्लस डी वाई ओ डी एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी इसकी लिमिट हो। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके ए पाई तक चेंज हो रही है। अब हम वाई की वैल्यू और डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन और टू से पुट कर देंगे। टू पाई इंटू में है कांस्टेंट है, ऐसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी लिख देंगे अगली स्टेप में। तो अगली स्टेप में हम लोग अगले पेज पर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं टू पाई को बाहर, जैसे कि बोला था इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इसके लिए लिमिट जो थी वो वही रहेगी ए पाई। वाई की वैल्यू यहाँ पर है और उसकी वैल्यू को जो कर्व में दे रखी है उसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर वन वन से वाई की वैल्यू ए साइन एक्स समान ए। उसके बाद था स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, वो आई थी कॉस एक्स समान ए उसका डी वाई डी एक्स का स्क्वायर और लास्ट में डी एक्स। चेक कर लेते हैं यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कॉस एक्स समान ए, ये दोनों वैल्यू हमने जो लिखी है वो इक्वेशन नंबर वन और टू का यूज़ करके लिखी है। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए इंटू में कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से हम इसको यहाँ पर बाहर ले सकते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाएगी टू पाई ए लिमिट ज़ीरो टू ए पाई और साइन एक्स वाई ए और स्क्वायर रूट वन प्लस ब्रैकेट लाएंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी एक्स। और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये टू पाई ऐसे लिख दिया लिमिट ज़ीरो टू ए पाई, इसको दिखाना है हमें कि स्टैंडर्ड फार्म में है ये, तो इस स्क्वायर रूट को पहले लिख दें वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई ए और यहाँ पर साइन एक्स बाई ए को लिख दें डी एक्स, क्योंकि अब हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसको पुट कर देते हैं कॉस एक्स बाई ए को टी पुट कर दें एक नया वेरिएबल, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस सॉरी डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन होता है, लेकिन ये एक्स इसको दोबारा से करना होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स अपान ए का और इसको टी को भी माइनस उधर पहुंचा देंगे तो साइन एक्स अपान ए
मिलेगा, और इसमें वन अपान एक कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे एक्स का डिफ्रेंसेशन डी एक्स टी का डी टी, लेकिन हमने माइनस को चलिए दी रखिए, आपको अगले स्टेप में पहुँचा देंगे। तो साइन एक्स अपान ए डी एक्स इजिकल टू माइनस पहुँचा दीजिए उधर, और ए का उधर जाके मल्टी हो जाएगा तो डी टी आ जाएगा। लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, आप चाहें तो लिमिट को बाद में भी पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद। तो लिमिट या अभी हम इसको लिमिट को निकाल भी सकते हैं, जैसे कि लोअर लिमिट की बात करें तो ये अभी जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो ये एक्स की लिमिट है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ए पाई। तो वैन जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी बराबर क्या है कॉस एक्स अपान ए है, और एक्स बराबर जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कॉस ज़ीरो जो होता है वो कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है। तो इस तरीके से टी की वैल्यू वन हो जाएगी। वैन एक्स की वैल्यू जब हम ए पाई रखेंगे तो टी की वैल्यू जो टी और एक्स में रिलेशन है, यानी जो हमने पुट किया था कॉस एक्स बाई ए, तो वहाँ पर एक्स बराबर ए पाई पुट कर दें तो कॉस सी हो जाएगा ए पाई अपान ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस पाई हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है। तो यहाँ पर माइनस वन अपर लिमिट हो जाएगी और लोअर लिमिट वन हो जाएगी, जैसे कि हमने लोअर लिमिट रखी थी ज़ीरो तो वन मिला था, अपर लिमिट रखी थी ए पाई तो टी बराबर माइनस वन मिला, तो अपर और लोअर लिमिट ही हो जाएंगी। तो हमारा जो इंटीग्रल जो चल रहा था जो सरफेस एरिया था, तो इसलिए इसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर ले रहे हैं, इसको हमें फाइंड करना है, बीच में ये आ गया इसलिए हम दोबारा इंटीग्रल पूरा ना लिखना पड़े लैंग्वेज, तो एस को लिख देते हैं सिर्फ, और उसमें चल रहा था टू पाई ए, यही वैल्यू चल रही है। इसको हमने इंटीग्रेशन करने के लिए इसको वेरिएबल को चेंज किया है और लिमिट भी चेंज होगी, टी की लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट वन है और लोअर लिमिट माइनस वन है, सॉरी लोअर लिमिट ये देखिए ज़ीरो थी तो उसके करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट आई थी वन, तो लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट जो है ए पाई थी उसके करस्पॉन्डिंग माइनस वन आया, लिखा हमने सही है और शायद बोला भी सही था। स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस की वैल्यू, यानी कॉस एक्स बाई टू की जगह पर टी रखना, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर था देखिए, और ये टोटल वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि माइनस का ए डी टी है, तो ये वैल्यू है माइनस का ए इंटू डी टी, माइनस ए इंटू में है कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, तो माइनस ए बाहर लेंगे तो माइनस ए लिख दिया, और टू पाई ए ए को यहाँ पर बाहर दिखा दिया। लिमिट वन टू माइनस वन है और ये टी की लिमिट है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर और इधर टी का स्क्वायर डी टी, और चाहें तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये इससे माइनस साइन आ जाता है इंटरचेंज करने पर, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगले स्टेप में जो हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है जिसको हमने कैपिटल एस से डिनोट कर लिया शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा टू पाई ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, हम लोग जानते हैं लिमिट को इंटरचेंज करने से साइन माइनस आ जाता है, तो उस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है स्क्वायर रूट वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी है, तो आपको मालूम है ये फार्मूला जानते ही हैं हम लोग कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो उसकी वैल्यू फार्मूला होता है वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ करता है। तो कभी कभी आपने लिखा देखा होगा वन बाई टू का दोनों में इंटू है, तो हमने बाहर ले रखा है, तो कैसे भी आप फार्मूला यूज़ करें तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है हमको, तो ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैपिटल एस इजिकल टू टू पाई ए स्क्वायर लिखने के बाद फार्मूला लिखना है वन बाई टू, बस देखिए हमारा ए की जगह पर जो है वो वन है और एक्स की जगह पर टी है, तो इसमें भी हम यही करेंगे एक्स यहाँ पर टी हो जाएगा और ए की जगह पर वन हो जाएगा, तो जहाँ पर भी हमें ए मिलेगा वहाँ वन रखेंगे और जहाँ पर एक्स मिलेगा वहाँ पर टी रखते जाएंगे, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हमने इसमें अप्लाई कर दिया फार्मूले को। लिमिट टी की जो है वो माइनस वन से लेके प्लस वन तक है, टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस बराबर पाई ए स्क्वायर बाहर चल रहा है, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे अब, यानी अपर लिमिट यानी वन रखनी होगी तो वन रखेंगे, वन स्क्वायर रूट वन प्लस वन स्क्वायर प्लस
log of 1 plus square root 1 plus 1 square, ये तो हो गई यहाँ पर अपर लिमिट। फिर उसके बाद माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी x मिल टी मिलेगा वहाँ पर माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन और ये वन स्क्वायर प्लस वन यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर पूरा पूरा ये तो वन स्क्वायर वन हो जाएगा, इंटू कहेंगे ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी की जगह पर माइनस वन रखना है अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, जहाँ पर भी टी मिला वहाँ पर हमने माइनस वन रख दिया। ब्रैकेट क्लोज ये कर ली, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट जो यहाँ शुरू था वो यहाँ पर क्लोज़ हो गया क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा पाई ए स्क्वायर से। तो ऐसे बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाई ए स्क्वायर ये तो वन का इंटू करेंगे यही ब्रैकेट आ जाएगा, और वन का स्क्वायर वन होता है, और ये दोनों जुड़ के स्क्वायर रूट टू आ गया प्लस का, ये हमारा अपर लिमिट को सॉल्व करेंगे तब मिलेगा लॉग वन प्लस ये वन का स्क्वायर वन और वन वन टू हो जाएगा, यानी रूट टू आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाला कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, अपर लिमिट के लिए था, लोअर लिमिट के लिए ब्रैकेट माइनस था तो माइनस शुरू में लिख दो, और स्क्वायर रूट ये भी देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये वन का स्क्वायर वन, वन और वन ये टू हो जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट टू बन गया। फिर प्लस का साइन है अप्लाई कर देंगे, और लॉग ऑफ ये माइनस है लिख देंगे, और ये भी देखेंगे वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और वन का स्क्वायर वन, वन वन टू हो जाएगा, तो प्लस का रूट टू। ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये चल रहा है पाई ए स्क्वायर, पहले से वो नोट कर दें, और इस ब्रैकेट को हमें हटा देना चाहिए, ये कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो स्क्वायर फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड वाला टर्म जो कि माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा लॉग, इसमें रूट टू जो कि बड़ा वैल्यू है उससे पहले लिख दें, प्लस की वैल्यू है और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दें, किसी को भी लिख सकते हैं पहले बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ठीक लगेगा कि पॉजिटिव वैल्यू नज़र आएगी। ये टू टाइम्स हो जाएंगे स्क्वायर रूट टू, तो इनको हम इकट्ठा कर दें, कलेक्ट कर लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू, और ये लॉग भी दो बार हैं, लेकिन देख रहे हैं कि एक में तो ये स्क्वायर रूट टू प्लस वन है, इनको इंटरचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग स्क्वायर रूट टू माइनस वन, तो इनको एक करके लिख सकते हैं, लॉग का इतना भी आंसर हम छोड़ सकते हैं, या फिर हम आगे और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉग का फार्मूला या लॉग दो बार हो तो एक बार लिखेंगे, जो जो पॉजिटिव है उसको तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो निगेटिव है उसे डिनोमिनेटर में, आप आंसर को अब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या आप इसमें कंजुगेट कॉम्प्लेक्स सॉरी रेशनलाइज करना चाहें डिनोमिनेटर को, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर रूट टू माइनस वन है तो आप इसके साइन को चेंज करते हुए यानी रूट टू प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रूट टू प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से रेशनलाइज हो जाएगा, तो ये पाई ए स्क्वायर टू रूट टू और प्लस लॉग ऑफ, इससे इसमें दोनों एक जैसे हैं तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट टू प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर अपान में, ये एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया हमने तो यूज़ करेंगे, यानी रूट टू का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर वन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये एक बड़े ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में करके बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। अगले स्टेप में ये आप कहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, पाई ए स्क्वायर अगर प्रूव ना करना हो, प्रूव करना है तो उतना ही लाना होगा जितना कि लिखा होगा, टू रूट टू और प्लस का है लॉग, और यहाँ पर था न्यूमरेटर में रूट टू प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट टू का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे टू आ जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन आ जाएगा, और इनका डिफरेंस जो होगा डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई ए स्क्वायर। बस एक दो स्टेप हैं, आप फौरन भी कर सकते हैं इसको, हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, तो ये रूट टू प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और इसमें डिफरेंस वन हो जाएगा, यानी ये फिर डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और हम लोग जानते हैं लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी ये टू पावर जो है वो आगे लिख सकते हैं, टू लॉग इसे रूट टू प्लस वन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, हो भी नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।